हेलो स्टूडेंट्स आज हम संस्कृत में पाठ तेरा मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का द्विवचन पढ़ेंगे हम मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन और उसके रूपों का प्रयोग सीख चुके हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विवचन रूप युवाम और आवाम मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन इनका द्विवचन रूप होता है युवाम और आवाम मध्यम पुरुष में युवाम उत्तम पुरुष में आवाम हम एक वचन पढ़ चुके हैं एक वचन होता है त्व और अहम युवाम क्रिया के साथ यानी कि द्विवचन की, की कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है इनके अंत में थ प्रत्यय लगता है जैसे पठतः खादत पीबत तो युवाम के साथ हमें थ वाली क्रिया का रूप लिखना है आवाम आवाम के साथ प्रत्यय में क्या आएगा आवह क्रिया के बाद मूल धातु में आवह प्रत्यय लगाना है पठावह खादावह, पीबावह। तो ये हैं द्विवचन के रूप उदाहरण के लिए युवाम खादत अर्थे तुम दोनों खाते हो आवाम नित्य पठावह। हम दोनों सदा पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिंग परिवर्तन से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे लड़का हो या लड़की हो हमेशा दो के लिए तुम दोनों के लिए युवाम शब्द और हम दोनों के लिए आवाम शब्द आता है क्रिया का रूप भी वही रहता है युवाम के साथ थह वाली क्रिया आवाम के साथ आवह वाली क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम तुम दो उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम हम दो लिंग परिवर्तन से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता युवाम पश्यतः, युवाम धाव युवाम भ्रमथ युवाम गायथ युवाम मित्रेस्थ युवाम शीघ्र चलथ युवा मतलब तुम दो तुम दोनों तुम दोनों देखते हो पश्यत मतलब देखते हो तुम दोनों दौड़ते हो धावत दौड़ते हो युवा भ्रमतः भ्रमतः मीन्स घूमते हो तुम दो घूमते हो युवाम गायथ तुम दो गाते हो युवा मित्र स्थ तुम दोनों मित्र हो युवाम शीघ्र चलत तुम दोनों शीघ्र जल्दी चलते हो आवाम मित्रे स्व हम दो मित्र हैं स्व मतलब है आवाम के साथ स्व वाला लिखना है क्रियाकारो आवाम तरावह हम दो तैरते हैं आवाम गृह गच्छाव हम दो ग्रह जाते हैं घर जाते हैं आवाम जलम पीबाव हम दो जल पीते हैं आवाम तिष्ठाव हम दो बैठते हैं आवाम नृत्या वह हम दोनों नाचते हैं तो यहां पर आपने देखा कि युवाम के साथ थह वाली क्रिया का रूप आ रहा है और आवाम के साथ आवह वाली क्रिया का रूप लिखना है अब है वार्तालाप किम युवाम नदीम में तरत क्या तुम दोनों नदी में तैरते हो न आवाम न तराव नहीं हम दोनों नहीं तैरते हैं किम युवाम पाद कंदुकम खेलत क्या तुम दोनों फुटबॉल से खेलते हो पाद कंदुकम मतलब फुटबॉल आवाम पाद कंदुकम खेला वह हम दोनों फुटबॉल से खेलते हैं युवाम किम खादत है? तुम दोनों क्या खाते हो आवाम अपूपम खादा वह अपूपम मतलब मालपुआ हम दोनों मालपुआ खाते हैं किम युवाम शीतल पेय पीबथ क्या तुम दोनों शीतल पेय यानी कि ड्रिंक पीते हो आम आवाम शीतल पेयम एवं पीबाव हाँ हा, आम मतलब हाँ हम दोनों शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं मतलब ही तो बच्चों आपको समझ में आया कि युवाम के साथ यानी कि द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया थह का रूप लिखना है आवाम के साथ आवह वाली क्रिया का रूप लिखना है हमने एक वचन में पढ़ा था कि अहम के साथ आमी वाली क्रिया और त्वम के साथ सी वाली क्रिया का रूप लिखना होता है उसी से संबंधित एक एक्सरसाइज यहाँ पर है कोष्टक में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए यहां पर पहले दिया हुआ है नमसी तो नमसी में आप देख रहे हैं नम धातु में सी प्रत्यय लगा हुआ है तो कौन सा करता आएगा तुम तुम नमसी तुम नमते हो तुम नमस्कार करते हो अगला है अहम अभी अभी मैंने कहा कि अहम के साथ आमी वाली क्रिया का रूप लिखना है हमारे पास ऑप्शन है क्रीडति क्रीडामी क्रीडसी तो कौन सी क्रिया का रूप आएगा क्रीडामी जिसमें आमी प्रत्यय आ रहा है अहम क्रीडामी मैं खेलता हूं अगला है खेलथह अब थ वाली क्रिया के साथ कौन सा करता आता है युवाम द्विवचन युवाम खेलथह तुम दोनों खेलते हो आवाम आवाम मतलब हम दोनों तो आवाम के साथ कौन सी क्रिया आती है आवह वाली हसावह आवाम हसाव हम दोनों हंसते हैं अश्व अब अश्व है यहाँ पर एक वचन इसके साथ आता है एक वचन वाली क्रिया धावती एक वचन पुर्ग अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है फिर से है नृत्यावह नृत्या क्रिया के साथ कौन सा करता आता है आवाम आवाम नृत्यावह हम दोनों नाचते हैं तो बच्चों अब आपको इनके एक बार रीडिंग करनी है और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बाय बाय